हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मुझे तो तिरंगे के तीनों ही कलर बहुत पसंद हैं। मुझे क्या, हमारे देश के सारे देशवासियों को ये तिरंगा बहुत ही पसंद आता है और इसके कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आज इन्हीं कलर को ध्यान में रखकर आज़ादी के दिवस के मौके पर ये मैंने सुंदर सा DIY तैयार किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ पुराने कंगन और पुरानी चूड़ियाँ ले रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर ली है मैंने 3 कलर की ऊन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऊन की जगह या तो सिल्क थ्रेड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक्रेलिक कलर ले सकते हो, या फिर आप नेल पॉलिश का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चौड़े वाले कंगन के ऊपर वाइट कलर की ऊन को लपेट लिया, उसके बाद एक पतली वाली पर ग्रीन और एक के ऊपर ऑरेंज ऊन को लपेट लिया। अब यहाँ पर मैंने ये एक गोल्डन कलर का धागा लिया है, जिससे हमें क्या करना है कि चूड़ी के ऊपर पहले एक साइड से इस धागे को पूरा लपेट लेना है। फिर हमें क्या करना है, उसी धागे को उस जो पहले वाला धागा था ना, उसके ऊपर क्रॉस देते हुए उस धागे को लपेटना है, ताकि हमारी इस चूड़ी के ऊपर एक सुंदर सी डिज़ाइन बन जाएगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये दोनों चूड़ी के ऊपर मैंने ऐसी डिज़ाइन बनाई है, तीनों के ऊपर बना दी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वाइट वाले कंगन को डेकोरेट करने के लिए लिए हैं मैंने यहाँ पर नीले रंग के कुंदन। जैसे तिरंगे के अंदर चक्र होता है, वैसे ही यहाँ पर मैंने कुंदन को एक सर्कल शेप में पूरे कंगन के ऊपर लगा दिया, और जो मैंने जैसे सर्कल के बीच में कुंदन लगाया था उसको हटाकर उसकी जगह पर मिरर लगा दिया, क्योंकि मिरर अभी ट्रेंड में भी चल रहे हैं और इससे मेरे कंगन का लुक भी अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले DIY की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ पुरानी क्लिप्स, और इन क्लिप के ऊपर भी हमें वो ही प्रोसेस करना है जो हमने कंगन के ऊपर किया था। तो यहाँ पर भी मैंने ऑरेंज ऊन को लपेटा, फिर वाइट और फिर ग्रीन ऊन को यहाँ पर लपेट दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी क्लिप ऐसे ही सिंपल भी अच्छी ही लग रही है, फिर भी इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर गोल्डन धागा लिया है, उससे थोड़ा सा बीच में लपेट दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर मिरर पे लगाने वाले रिंग और कुछ अलग अलग शेप के यहाँ पर मिरर लिए हैं, जिससे हम इस क्लिप को डेकोरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ वो आपके पास भी हो। अगर आप मेरे जैसा ही डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप मार्केट से ले सकते हैं, वरना आपके पास जो आपके घर में हो आप उन्हीं चीज़ों का यूज करके ये सारी चीज़ें डेकोरेट करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर कई लोग हैं जो बाहर से ऐसी महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर लाते हैं एक दिन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही कम बजट में मैंने यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा चूड़ियों का सेट और दोनों हेयर क्लिप तैयार कर ली हैं। तो आप भी मेरी तरह यहाँ पर कम बजट में इतनी प्यारी चूड़ियों का सेट और हेयर क्लिप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।